आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी कुंदन कुमार सिंह चुनाव जीते, कांग्रेस की प्रत्याशी अमिता भूषण हारी। मटिहानी से राजकुमार सिंह लोजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते, नरेंद्र सिंह उर्फ बोबो सिंह जदयू हारे। केगड़ा से रामरतन सिंह सीपीआई के चुनाव जीते, लोजपा प्रत्याशी ललन कुंवर हारे। बछवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता जीते, सीपीआई प्रत्याशी अवधेश राय चुनाव हारे। साहेबपुर कमाल से राजद प्रत्याशी सतानंद संबुद्ध उर्फ ललन कुमार यादव चुनाव जीते, जदयू से शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह हारे। बकरी से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान चुनाव जीते, भाजपा के रामशंकर पासवान हारे। चेरिया बरियारपुर से राजद के प्रत्याशी राजवंशी महतो चुनाव जीते, जदयू के कुमारी मंजू वर्मा चुनाव हारे। बीजेपी से दो बेगूसराय सदर व बछवाड़ा, आरजेडी से दो साहेबपुर कमाल व चेरिया बरियारपुर, सीपीआई से दो तेगड़ा बकरी, एलजेपी से एक मटिहानी। बिहार विधानसभा चुनाव मतगणना संपन्न होने के बाद बेगूसराय सात विधानसभा के एनडीए को दो सीटें जीत दर्ज की, चार महागठबंधन सीटें जीत दर्ज की एवं एक लोजपा प्रत्याशी सीट दर्ज की। बेगूसराय में लोक शक्ति पार्टी के उम्मीदवार मटियानी वर्तमान विधायक व बाहुबली विधायक को हराकर अपना परिचय लाया। कांटे की टक्कर में बेगूसराय का दो विधानसभा एक बछवाड़ा जो गठबंधन प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह को एनडीए प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता ने विजय हासिल की। दो प्रत्याशी के आवास पर जमकर हुई जश्नबाजी। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। तो नाराज जो करते आ रहे काफी दिनों से। मुंगेरपुर सरकार चालू हो रहा है दो यार एकदम जब लेकिन सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य आपको जनता ने भारी मदद से जिताया है। जनता ने आपको चुन कर भेजा है, अभी आगे क्या निर्णय होगा? जनता ने जिता के भेजा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरी जीत नहीं, वहाँ की जनता की जीत है। चलो ठीक है, बकरी विधानसभा जनता की। चलो बकरी है सर, मूल उसको दूर करने का क्या प्रयास होगा आपके? आप जीत तो गए हैं सर। जीत गए हैं तो हमारी सरकार बनेगी। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सर? मुख्य उद्देश्य को लिए है, स्वास्थ्य को लिए है और रोजगार को लिए महसूस कर रहे हैं। फीलिंग गुड, थैंक यू, फीलिंग गुड। हम क्या मीडिया दिखाता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़े, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जान रहे थे। कम से कम मैं तो बेगूसराय विधानसभा में फंसा रहा, तो बाहर का तो मैं नहीं जानता। बेगूसराय विधानसभा हम लोग सब लोग जानते थे कि हम जीत रहे हैं और हमने जीता। विधानसभा क्षेत्र में जनता को क्या? आज सिर्फ मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। संदेश बस इतना ही कि आपने अपने बेटे को चुना है और ये बेटा हर संभव प्रयास करेगा कि आपके आशाओं पे आकांक्षाओं पे खड़ा उतरे। चीज भी होंगे और हमारा पार्टी अध्यक्ष प्रणाली में चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। चलिए बहुत बहुत धन सर और बधाई हो। समझे जी, इसलिए मैं धन्यवाद चेरिया बरियारपुर के जनता को दे रहा हूं कि विकास का काम जो है हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी जी, तो और ज्यादा विकास का काम चेरिया बरियारपुर में करवाने का। क्या लगता है जर्जर है जो कि 10 सालों से नहीं बन पा रहा, इन सब के लिए क्या? चुनाव में भी वादा किए थे कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले अनुमंडल अस्पताल का आदि करें। सर ये आश्वासन तो नहीं रहा है आज के लिए? बहुत बहुत राजकुमार। उद्देश्य आप लोगों को बताया है कि उद्देश्य
मटियानी का जो समेकित विकास है वो होगा। मैंने कई तरीके के बातें करी थी। मेरी प्राथमिकता ये जरूर रहेगी कि कस्या दियारा का जो किसानों का मामला है उसको मैं जरूर निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से उस मामले को निपटाने का प्रयास करूं। इसके अतिरिक्त मटियानी में जो सड़कें की हालत बदहाल है उनको ठीक करूं। मटियानी में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, युवाओं के लिए बेरोजगारी की जो समस्या है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों, इन सारे क्षेत्रों में मैं प्रयास करूंगा, ऐसा मैंने हमेशा कहा और ये सारी मेरी प्राथमिकता है। अभी कुछ जान के मैं अभी निकला हूँ, लोजपा के एक जीते हैं या क्या हुआ है पूरे बिहार राज्य में इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जब मैं जाऊंगा उसके बाद पता लगेगा, फिर जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो क्या। ये जीत के श्रेय किसको दीजिएगा? ये जीत का श्रेय पूरी मटियानी की जनता को है, हमारे तमाम युवा भाइयों का है, हमारे तमाम यहाँ जितने कार्यकर्ता है नहीं है वो मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा हमारे मटियानी के जो राजकुमार बाबू ने जीते हैं। बड़ी मकसद की गई है उसको आज खुशी का लहर। लोक जनशक्ति पार्टी हमारी एक बेगूसराय में जीती है और ये जीत पार्टी की जीत है और साथ में राजकुमार जी की भी जीत है और मटियानी की जनता की जीत है। सबसे बड़ी मटियानी की जनता की जीत है जो जनता इतने बड़े सम्मान देने का काम की है और साफ सुथरा का जो आप लोगों ने सुना है कि समस्या है के प्रयास से वहाँ पुल का निर्माण होगा और जो भी समस्या होगा जनता के